let me. So guys, जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे ये किट मिला है इंडिगो की तरफ से, एंड इसमें है ये, तो इसमें मुझे मिला है मास्क, सैनिटाइजर, ये, और क्योंकि मेरा मिडिल सीट है तो मुझे यात्रा मिला है तो मुझे पहनना है. So guys, मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट है राजीव गांधी एयरपोर्ट, और पूरा ही सन्नाटा छाया हुआ है. मैंने रोड में भी देखा कि कुत्ते भौंक रहे थे और कोई भी नहीं था. तो मुझे पता नहीं आप लोग को मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही सेफ्टी रखी गई है. एंड आप देख सकते हो कि सीट में भी लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बना के बैठे, लेकिन डिस्टेंस बनाए किससे, कोई लोग हो तब ना, लोग है ही नहीं, बहुत ही एक दो लोग मुझे दिख रहे हैं बस, पता नहीं, और वो भी मैं दूसरे गेट में बैठा हूँ, मेरे गेट में तो और भी कोई लोग नहीं है. तो अब मुझे पीपी किट शायद मिलेगा बिकॉज मेरा मिडिल सीट है, तो शायद मुझे बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स ये लोग प्रोवाइड करेंगे. ऑलरेडी मैं लेके घूम रहा हूँ. तो यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग का बहुत ही अच्छा फंडा है, यहाँ पे दो टाइप के सिक्योरिटी चेकिंग्स हो रहे हैं. एक हो रहा है कि अगर आपको लगेज देना है केबिन में तो उसके लिए आपको एक अलग लाइन है, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा. एंड अगर आप हैंड बैगेज कैरी करते हो, जैसे मैंने ये दोनों बैगेज बोला कि मैं दोनों कैरी करूँगा बिकॉज कुछ है नहीं ज़्यादा सामान, तो उसके लिए यू हैव एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक इन एंड दैट इज़ वेरी फास्ट. मैं पहला बंदा था एंड ऐसे ही तीन चार लोग आ रहे थे एंड बाहर के गेट में भी लोग बोल रहे हैं कोई आ नहीं रहा. तो सिचुएशन बहुत ही अलग है एंड आई बहुत ही डिफरेंट है, बट जो भी है, मैंने ये पूरा ट्रिप जो प्लान किया है ये बहुत ही मतलब बहुत इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, एंड विदाउट सपोर्ट ऑफ रश्मि इट वॉज़ नॉट पॉसिबल. सो ये जब वीडियो अपलोड होगा तो थैंक यू रश्मि फॉर गिविंग मी सपोर्ट, कि यू सपोर्टेड मी दैट कि मैं जाऊँ. आई नो कि सेफ नहीं है तो तुम्हें डर होगा, बट मैं बस चाहता था कि मैं वो चांस नहीं लूँ जो कि तुम्हें पता है क्या. तो बस इसी के लिए मैं बाहर निकल गया हूँ एंड आई हैव टेकन ऑल द सेफ्टी मेजर्स जो भी थे. हाथ में ग्लव्स था, ग्लव्स पड़ गया, लेकिन फिर मैंने वो ग्लव्स हटा दिए, फिर सैनिटाइज किया हाथ को, एंड देखते हैं फिर आगे क्या होता है. तो गाइज, अब मैं जैसे ही मुझे पीपी किट सब मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा उसको भी बना के कैसा मिलता है मुझे, अगर मुझे टाइम मिला तो, नहीं तो अब फिर मिलेंगे रांची में, क्योंकि चार बज चुके हैं एंड लोग यहाँ पे कोई है नहीं बात करने वाला किसी से भी, तो ये चीज़ है. ठीक है, तो सिक्योरिटी चेकिंग मैं आपको बता दिया कि दो टाइप के होते हैं, हैदराबाद में तो ऐसा ही है. उसके बाद आप आओगे तो सब खाली सन्नाटा, कुछ भी नहीं है. ठीक है, हाँ, रेस्टोरेंट सारे खुले हुए हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे खाना खाने का तो खा सकते हो. बाकी का पता नहीं यहाँ पे फूड कैसा रहेगा, क्या क्वालिटी रहेगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. तो मैं तो सिर्फ मैकडी लवर हूँ, तो यहाँ पे अगर मैकडी रहता तो मैं ज़रूर ट्राई करता, बट अभी तो नहीं कुछ करूँगा. आई विल जस्ट पिकअप सम वाटर, पानी लूँगा एंड उसके बाद फिर मैं रिलैक्स करूँगा, वेट करूँगा मेरा गेट ओपन होने का, एंड 26 है गेट नंबर मेरा, एंड देन उसके बाद फिर मैं देख के प्लान करूँगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू रांची एंड फ्रॉम रांची से जमशेदपुर मैं कार से जाऊँगा, वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे जा रहा हूँ मैं. सो सब कुछ है, प्लान्ड है, लेट्स सी. मैंने सारे इक्विपमेंट्स देखे, मैंने सब लिए हुए हैं, बट वही है कि इट्स अ रिस्क. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड इफ यू आर गोइंग आउट प्लीज़ बी हैव एवरीथिंग विथ यू. ऑल दो लोग बोल रहे हैं कि आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, बट फिर भी आप अपने पास हर चीज़ रखो. और दूसरी बात है कि अगर आप मास्क नहीं पहन के आओगे तो आपका जाना भी रिजेक्ट हो जाएगा. तो सिक्योरिटी चेक इन में आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे अगर आप अगर कुछ मान लो मास्क नहीं पहने हो, ठीक से नाक और मुंह कवर नहीं किए हो, तो शायद आपका रिजेक्ट हो सकता है. तो बेस्ट है सब कुछ प्रिकॉशंस लेके जाओ एंड टाइम रहे तो एक घंटा पहले आ जाओ, इन्जॉय करो आराम से बैठ के,
क्या कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स मीट आउट आफ्टर दिस एंड विल कनेक्ट टू यू, बाय। जमशेदपुर बस में जाने वाला आदमी मिला तो उसको बैठा के ले गए तो वो पैसा मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा सर। आपसे तो जो भाड़ा मिल रहा है जो बात एकदम क्लियर बता रहे सर।